इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब दोबारा चांद की यात्रा के लिए तैयार है। खबर है कि भारतीय स्पेस एजेंसी ने चांद पर जाने के लिए जापान की जाक्सा या जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ साझेदारी की है। दोनों मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि ल्यूपेक्स पर काम कर रहे हैं, जिसे चंद्रयान 4 भी कहा जा रहा है। जाक्सा के अनुसार ल्यूपेक्स का काम पानी और अन्य संसाधनों के लिए चांद की सतह पर खोज करना है, साथ ही साथ चांद की सतह पर घूमने में विशेषज्ञता हासिल करना है। ये प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का हिस्सा है, जिसके तहत जाक्सा ने लूनर रोवर की जिम्मेदारी उठाई और इसरो लैंडर तैयार करेगा जो रोवर को लेकर जाएगा। इसके साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA और नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयार किए गए कुछ उपकरण भी रोवर पर लगाए जाएंगे। जापानी स्पेस एजेंसी के मुताबिक बात करें तो जाक्सा भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि चांद पर पानी है या नहीं। आपको बता दें कि अगस्त को ही चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर पहुंचे इसरो के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। भारत की इस सफलता को काफी अहम माना जा रहा था। इसके अलावा भी प्रज्ञान ने तत्वों की खोज समेत धरती पर कई बड़ी जानकारियां भी भेजी थी। जापानी स्पेस एजेंसी के मुताबिक ल्यूपेक्स को साल 2025 में H3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। रोवर को मिलाकर इसके पेलोड का कुल वजन 350 किलोग्राम से ज्यादा का होगा, साथ ही साथ ये 3 महीनों से ज्यादा के समय तक काम करेगा। खास बात यह है कि ल्यूपेक्स भी चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में लैंड करेगा, जहां पहुंचने का कीर्तिमान भारत पहले ही स्थापित कर चुका है। इस मिशन में इसरो की ओर से सैंपल एनालिसिस पैकेज यानी कि ISAP, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी कि GPR और मिड इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर जाएंगे, जबकि नासा न्यूरोस्पेक्ट्रोमीटर यानी कि NS और ESA और एक्सोस्फेरिक मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर ल्यूपेक्स यानी कि EMSL भेजेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनवरी 2020 में ही जाक्सा ने इस मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी और उस दौरान ही इसरो के साथ मिलकर काम करने के लिए एक बड़ा मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया था। बात करें चंद्रयान 3 की तो इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जुलाई में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जिसके बाद 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग की। करीब 14 दिन तक रोवर प्रज्ञान ने जानकारियां भी जुटाई। इसके बाद सितंबर की शुरुआत में दोनों स्लीप मोड में डाल दिए गए। फिलहाल भारतीय स्पेस एजेंसी दोनों को दोबारा जगाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। इसरो पहले ही साफ कर चुका था कि अगर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर नहीं जागते हैं तो भी भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।